Hello students, now we discuss some important concept. अगर आपसे पूछा जाए work done to form a system, किसी भी system को बनाने के लिए कितना work करना पड़ेगा, तो वो होता है is equal to potential energy of system. तो किसी भी numerical में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि system को बनाने के लिए कितना work करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं, आप उस system की potential energy निकालिए, वही होगा आपका वर्क डन टू फॉर्म अ सिस्टम. लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल में आपसे पूछ लिया जाए वर्क डन टू डिसोसिएट अ सिस्टम, यानी किसी सिस्टम को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वो हो जाएगा निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. यानी चाहे आपसे सिस्टम को बनाने का वर्क पूछे या सिस्टम को तोड़ने का वर्क पूछे, दोनों ही केस में आपको पोटेंशियल एनर्जी आना चाहिए निकालना. बस अगर आपसे पूछे वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम, तो बस पोटेंशियल एनर्जी जो भी है उसका क्या कर लेना है, निगेटिव ले लेना है. थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर किसी न्यूमेरिकल में आपसे पूछ लिया जाए वर्क डन टू चेंज द सिस्टम, यानी आपके पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया गया है, यानी चार्ज पार्टिकल्स की लोकेशन को चेंज करके एक नया सिस्टम बना दिया गया है, तो आपसे पूछा जाता है वर्क डन टू चेंज द सिस्टम, तब हम उसको कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल सिस्टम माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल सिस्टम. तो हेलो स्टूडेंट्स, वी हैव अ न्यूमेरिकल, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल ऑन द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एज शोन इन द फिगर. देखिए, आपको एक सिस्टम गिवन है जिसमें ट्राइंगल के फॉर्म में जिसमें तीन चार्ज हैं, और आपसे कहा गया है वर्क डन इन डिसोसिएट, यानी इस सिस्टम को तोड़ने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा. ध्यान दीजिए, आपसे डिसोसिएट का वर्क पूछा गया. इससे पहले आपने सीखा कि किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, वो होता था सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर. तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सिस्टम को बनाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आपको मालूम है इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको आती है. लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए वर्क डन टू डिसोसिएट, सिस्टम को तोड़ने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वो होता है निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सिस्टम को बनाने के लिए वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम को तोड़ने के लिए वर्क इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. देख लीजिए, वर्क डन टू डिसोसिएट इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो बस हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, और जो भी आंसर है उसको निगेटिव फॉर्म में लेंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम जरा ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया, वर्क डन इन डिसोसिएट इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसको इक्वेशन वन मान के छोड़ दीजिए. ओके, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं सिस्टम की, तो यहाँ पे कितने रिलेशन है, ए बी बी सी सी ए, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी सी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी ए इज इक्वल टू, हाँ भाई ए बी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, आपको मालूम के क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो क्यू इंटू के Q1 Q2 अपॉन 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 पर माइनस 2. BC के लिए तो एक चार्ज क्या है 2Q, एक चार्ज क्या है माइनस 4Q, डिस्टेंस वही 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2. प्लस CA की पोटेंशियल एनर्जी K, एक चार्ज क्या है माइनस 4Q, एक चार्ज क्या है Q और डिस्टेंस है 10 इंटू 10 की पावर. चलिए, ये कितना हो जाएगा 2k q स्क्वायर अपॉन 10 की पावर माइनस 1 माइनस का 8k q स्क्वायर अपॉन 10 की पावर माइनस 1 और माइनस का 4k q स्क्वायर अपॉन 10 की पावर माइनस 1. चलिए, तो इसमें से अगर आप ध्यान देंगे तो क्या चीज कॉमन आ जाएगी, तो देखिए k q स्क्वायर अपॉन 10 की पावर माइनस 1 क्या है कॉमन, तो माइनस 8 माइनस 4 माइनस के 12 प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा
ये आएगा बेटा माइनस का टेन के क्यू स्क्वायर अपॉन टेन की पावर माइनस वन, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का हंड्रेड के क्यू स्क्वायर। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये आप इसको देखे सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे ख्याल आप वीडियो को पॉज करके ये सॉल्यूशन देख सकते हैं। इज इक्वल टू, तो वही अपना फॉर्मूला, वर्क डन टू डिसोसिएट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था माइनस का 100 के क्यू स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 100 के क्यू स्क्वायर, दिस इज आंसर। आप ज्यादा चाहे तो के की वैल्यू रख सकते हैं, 100 के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 11 क्यू स्क्वायर। ठीक है, आप चाहे आंसर यहां छोड़ दें या के की वैल्यू रख दें। तो जो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दो बारी आपके बोर्ड में आ चुका है 2008 2013। तो केवल इस न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल तो सीखना है, केवल इसमें क्या बात थी आपको सीखने लायक कि जब भी आपसे पूछा जाए वर्क डन टू फॉर्म द सिस्टम, तो आप क्या निकालते हैं इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ आपने क्या सीखा कि जब भी आपसे वर्क पूछा जाए डिसोसिएट का, तो क्या करना है इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे तो बाकी तो पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना ही आता है, चाहे वो स्क्वायर का पूछे चाहे किसी का पूछे। के क्यू वन क्यू टू अपॉन 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 पावर माइनस 2। बी सी के लिए तो एक चार्ज क्या है 2q, एक चार्ज क्या है माइनस 4q, डिस्टेंस वही 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2। प्लस सी ए की पोटेंशियल एनर्जी के एक चार्ज क्या है माइनस 4q, एक चार्ज क्या है क्यू और डिस्टेंस है 10 इंटू 10 की पावर, चलिए ये कितना हो जाएगा 2 के q स्क्वायर अपॉन 10 की पावर माइनस 1 माइनस का 8 के क्यू स्क्वायर अपॉन 10 की पावर माइनस 1 और माइनस का 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन 10 की पावर माइनस 1। चलिए तो इसमें से अगर आप ध्यान देंगे तो क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, तो देखिए के क्यू स्क्वायर अपॉन 10 की पावर माइनस 1 क्या है कॉमन, तो माइनस 8 माइनस 4 माइनस के 12 प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा ये आएगा बेटा माइनस का 10 के क्यू स्क्वायर अपॉन 10 की पावर माइनस 1, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 100 के क्यू स्क्वायर। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये आप इसको देखे सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे ख्याल आप वीडियो को पॉज करके ये सॉल्यूशन देख सकते हैं। इज इक्वल टू, तो वही अपना फॉर्मूला, वर्क डन टू डिसोसिएट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था माइनस का 100 के क्यू स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 100 के क्यू स्क्वायर, दिस इज आंसर। आप ज्यादा चाहे तो के की वैल्यू रख सकते हैं, 100 के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 11 क्यू स्क्वायर। ठीक है, आप चाहे आंसर यहां छोड़ दें या के की वैल्यू रख दें। तो जो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दो बारी आपके बोर्ड में आ चुका है 2008 2013। तो केवल इस न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल तो सीखना है, केवल इसमें क्या बात थी आपको सीखने लायक
कि जब भी आपसे पूछा जाए वर्क डन टू फॉर्म द सिस्टम, तो आप क्या निकालते हैं, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और यहां आपने क्या सीखा कि जब भी आपसे वर्क पूछा जाए डिसोसिएट का, तो क्या करना है, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो बाकी तो पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी आता है, चाहे वो स्क्वायर का पूछे चाहे किसी का पूछे। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। अगर आपसे पूछा जाए वर्क डन टू फॉर्म अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वो होता है इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिस्टम को बनाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं, आप उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, वही होगा आपका वर्क डन टू फॉर्म अ सिस्टम। लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल में आपसे पूछ लिया जाए वर्क डन टू डिसोसिएट अ सिस्टम, यानी किसी सिस्टम को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वो हो जाएगा निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी चाहे आपसे सिस्टम को बनाने का वर्क पूछे या सिस्टम को तोड़ने का वर्क पूछे, दोनों ही केस में आपको पोटेंशियल एनर्जी आना चाहिए निकालना। बस अगर आपसे पूछे वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम, तो बस पोटेंशियल एनर्जी जो भी है उसका क्या कर लेना, निगेटिव ले लेना। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर किसी न्यूमेरिकल में आपसे पूछ लिया जाए वर्क डन टू चेंज द सिस्टम, यानी आपके पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया गया है, यानी चार्ज पार्टिकल्स की लोकेशन को चेंज करके एक नया सिस्टम बना दिया गया है, तो आपसे पूछा जाता है वर्क डन टू चेंज द सिस्टम, तब हम उसको कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल सिस्टम माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल सिस्टम। तो हेलो स्टूडेंट्स, वी हैव अ न्यूमेरिकल, 3 point charges plus q plus 2q and minus 3q are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L. If these charges are displaced to the midpoint A dash B dash C dash, find the amount of work done in shifting the charges to the new location. देखिए, ये numerical किस चीज पर based है? आपको एक system दिया गया है और फिर सिस्टम में क्या किया गया है, चेंज, यानी चार्ज पहले कहाँ है, ए बी सी पर, अब चार्जेस को कहाँ लेके जाया जाएगा, ए डैश बी डैश सी डैश पर। तो ऐसा करने में आपसे वर्क पूछा गया है, तो आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, पहले सिस्टम क्या है ए बी सी, और जब चार्ज ए डैश बी डैश सी डैश पर जाएंगे तो सिस्टम क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश सी डैश। तो ऐसा करने में कितना वर्क होगा, तो मैंने आपको बताया था जब भी हम सिस्टम को चेंज करते हैं तो सिस्टम को चेंज करने में जो वर्क होता है वो किसके बराबर होता है, फाइनल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। तो कुछ नहीं करना, पहले हम इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, उसके बाद जो सिस्टम चेंज हुआ उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे एंड वी गेट आवर रिक्वायर्ड आंसर। CBSE 2015 में ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था आपका। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं सिस्टम एबीसी की, ठीक है। तो सिस्टम एबीसी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एबी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बीसी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी। अब तक तो ये आपको रट जाना चाहिए, ट्रायंगल की फॉर्म है, तीन रिलेशन है एबी बीसी सीए, एबी की अपनी पोटेंशियल एनर्जी, बीसी की अपनी, सीए की अपनी, तीनों को जोड़ दो तो पूरे एबीसी की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ओके बेटा, एबी की पोटेंशियल एनर्जी के दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई, यानी Q मल्टीप्लाई 2Q, ठीक है। मेरे ख्याल से हम डायरेक्ट कर दें, आप सभी समझदार बच्चे हैं, तो ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, तो बोला गया ट्राइंगल की साइड कितनी है L, तो अपॉन L प्लस। अब BC के लिए कीजिए, तो BC के लिए वही K दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 क्यू स्क्वायर, 3Q की 2Q से मल्टीप्लाई, डिस्टेंस क्या है वही L, प्लस CA की पोटेंशियल एनर्जी K माइनस 3Q स्क्वायर अपॉन L। तो देखिए ये आ गई है हमारी, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो अगर आप देखेंगे K, Q स्क्वायर और L
ये तो क्या है कॉमन, के क्यू स्क्वायर और एल, ये तो क्या है कॉमन, प्लस का 2 माइनस का 6 और माइनस का 3, तो बेटा ये बचेगा माइनस के 7। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एबीसी। ठीक है बेटा, एबीसी का दीजिए या इनिशियल एबीसी सिस्टम बोला, इनिशियल बोलो। ठीक है, ओके, तो मेरे ख्याल से ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, वीडियो को पॉज करके इसको कर लीजिए। अब सवाल वाला क्या कहता है, सवाल वाला कहता है कि इनकी पोजीशन चेंज करेंगे। देखिए प्लस क्यू किधर है, पहले ए पर, तो अब हम इसको लेके आ गए कहां, ए डैश पर, इसको उठा के हमने यहां रख दिया। टू क्यू किधर है, बी पर, तो अब हम इसको लेके आ गए बी डैश पर। माइनस थ्री क्यू कहां है, सी पर, अब हम इसको लेके आ गए सी डैश पर। तो हमने चार्जेस की लोकेशन क्या कर दी, चेंज। तो देखिए पहले जो सिस्टम था एबीसी, अब हमारे पास नया सिस्टम बना है ए डैश बी डैश सी डैश। और जिन बच्चों का मैथ्स काफी स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ज्योमेट्री ये कहती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की कोई भी साइड मिड पॉइंट को मिलाने वाली साइड की क्या होती है, ज्योमेट्री क्या कहती है, अगर ए बी सी हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी कोई भी साइड क्या है एल, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पहले वाले मतलब ट्रायंगल की साइड के क्या होगी, हाफ। ये 10th क्लास में ज्योमेट्री में सिखाया जाता है। तो अगर ये हमारी बी सी क्या है एल, तो ए डैश बी डैश क्या हो जाएगी, एल बाय 2। ठीक है, चलिए तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले हैं नए सिस्टम ए डैश बी डैश सी डैश की। तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे ए डैश बी डैश सी डैश की, तो वो हो जाएगी ए डैश बी डैश सी डैश ए डैश। ओके, चलिए क्योंकि इस ए डैश बी डैश सी डैश में भी क्या है, तीन रिलेशन है, ए डैश बी डैश सी डैश ए डैश। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे ए डैश बी डैश की, ए डैश बी डैश की। तो आप देखेंगे के दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई क्या आएगा, 2q2, बस जहां पहले l था अब हो जाएगा l बाय 2। ऐसी बेटा जब आप बी डैश सी डैश की वैल्यू निकालेंगे बी डैश सी डैश, तो ऊपर वाले आंसर सेम आएगा, बस l की जगह l बाय 2, l की जगह l बाय 2। तो मेरे ख्याल से यहां भी l की जगह क्या हो जाएगा, L by 2। समझ में आ गया, ओके। और इस L by 2 को ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 7 को 14 बना देगा। तो हमने ABC सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली और उसको हटाने के बाद जो नया सिस्टम बनाया उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। तो अब हमें करना क्या है, सवाल वाले ने हमसे क्या पूछा है, हमसे न्यूमेरिकल में पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू शिफ्टिंग द सिस्टम। तो देखिए वर्क डन इज इक्वल टू, तो मैंने आपको क्या सिखाया, सिस्टम को चेंज करने में वर्क कितना होता है, फाइनल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। हमारा इनिशियल सिस्टम क्या था, एबीसी। फाइनल सिस्टम क्या था हमारा, ए डैश बी डैश की पोटेंशियल एनर्जी माइनस का 14 के क्यू स्क्वायर ओवर एल, फॉर्मूले का माइनस, इसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस का 7 के क्यू स्क्वायर ओवर एल। ठीक बेटा, चलिए ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 7 के क्यू स्क्वायर ओवर एल। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन काफी
आपसे आ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को लेके आपने बहुत सारी बातें सीखी। अब है पोटेंशियल एनर्जी का लास्ट और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। अभी तक हमने सीखा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, लेकिन ध्यान देने वाली बात थी उस वक्त वो सिस्टम जो था वो था इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी मेरा जो पूरा सिस्टम है अगर वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हो तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो लेट्स सी। ये आपके एग्जाम में डेरिवेशन भी आ सकता है, और अगर आप इस डेरिवेशन को समझे इस पर बेस्ड, ये अपना डेरिवेशन तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन जब आप इस डेरिवेशन को समझेंगे तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आप कर पाएंगे। तो लेट स्टार्ट द डेरिवेशन। सपोज ये हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम किया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनफाइनाइट लोकेशन हो सकती है। तो मैंने क्या किया, कोई भी दो लोकेशन कंसीडर करी, लोकेशन ए और लोकेशन बी। वैसे तो इसके अंदर इनफाइनाइट लोकेशन होंगी, लेकिन मैंने कोई भी दो लोकेशन कंसीडर कर ली। ओके, अब मान लीजिए लोकेशन ए पर पोटेंशियल है वी ए और लोकेशन बी पर पोटेंशियल है वी बी। ओके चलिए, अब मैंने आपको बोला इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जितनी भी लोकेशन होती है वे सब क्या कहलाती है, इनफाइनाइट। तो ये कोई चार्ज है Q1, मान लीजिए कोई एक चार्ज है Q1, और मैं आपसे बोलूं कहां है, तो आपको भाई ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, तो यानी ये चार्ज है कहां, इनफाइनाइट पर। और ऐसे ही मैंने एक चार्ज लिया Q2, तो ये Q2 भी कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, तो यानी Q2 भी कहां है, इनफाइनाइट लोकेशन पे। ओके बेटा, अब मैं क्या करता हूं, इस Q1 को उठा के लेके जाता हूं A पर। ये मैंने क्या किया, इस चार्ज Q1 को मैं लेके आया लोकेशन A पर। ये मैं इस चार्ज Q1 को इनफाइनाइट से लोकेशन A पे लेके आया। तो ऐसा करने के लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क, इनफाइनाइट से ए तक ले जाने का वर्क। ऐसे ही मैं इस चार्ज को लेके आता हूं बी तक, Q2 को मैं लेके आया बी तक, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, इनफाइनाइट से बी तक का वर्क, ये वर्क मुझे करना पड़ेगा। और मैं यहां पर चार्ज Q2 को लेके आ गया, ये लोकेशन है बी। चलिए, और हम ये कह देते हैं ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो है आर, ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसमें दो लोकेशन थी ए और बी, ए का पोटेंशियल वी ए, बी का पोटेंशियल वी बी। बाहर से मैं एक चार्ज क्यू वन लाया ए पर, मुझे इतना वर्क करना पड़ा। बाहर से एक चार्ज लेकर आया क्यू टू बी पर, मुझे इतना वर्क करना पड़ा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितना वर्क हमने किया, तो क्या आप समझ सकते हैं कि हमने कितना वर्क किया। तो देखिए, टोटल वर्क डन, कितना वर्क किया बेटा, हमने किए हैं तीन वर्क। आपको बस सब तीन कैसे, हमें तो दो ही समझ में आए। सुनो, पहला वर्क हमने किया Q1 को इनफाइनाइट तक, Q1 को इनफाइनाइट से A तक ले जाने में, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा वर्क किया हमने Q2 को इनफाइनाइट से B तक ले जाने में, आपको बस सर तीसरा वर्क कौन सा है। तीसरा वर्क ये है कि जब मैं Q1 को A पर लाया, Q2 को B पर लाया, तो आपने एक सिस्टम भी बना दिया है ए बी, ए Q1 A पे आया Q2 B पे आया, तो क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया। यानी तीसरा वर्क बना, तीसरा वर्क क्या है, वर्क डन टू फॉर्म सिस्टम ए बी। अनजाने में आपने ये वर्क भी कर दिया, आपको तो लगता है आपने ये और ये वर्क करे, पर अनजाने में ये वर्क भी हो गया। तो ये तीन वर्क हुए हैं।
अब जरा इन तीनों की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, v माइनस v इज इक्वल टू w ओवर q, याद है ये जनरल फॉर्मूला, v माइनस v इज इक्वल टू w ओवर q, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, तो यहां से w क्या हो जाएगा, q इंटू v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो बताइए मैं इसको क्या लिखूंगा, इनफाइनाइट से a पर किसको लेकर आए, q1 को लेकर आए। देखिए वर्क निकालते हैं, वर्क क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसको लेकर आए, q1 को, ओके। कहां से, देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल यानी कहां पर लेकर आए, a पर लेकर आए, कहां से लेकर आए थे, इनफाइनाइट से। प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे, q2 को लेकर आए, कहां पर, b पर, कहां से, इनफाइनाइट से। प्लस ये क्या है, वर्क डन टू फॉर्म अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, याद आ रहा है, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ए बी इज इक्वल टू क्यू वन, इनफाइनाइट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो, याद है आपको। तो केवल क्या बचेगा, वी ए प्लस क्यू टू वी बी, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, और प्लस का यू ए बी। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। तो ये है, और टोटल वर्क डन को ही हम क्या बोलते हैं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये होती है, टोटल वर्क निकालो, वही क्या होता है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। हेलो स्टूडेंट्स, वी हैव अ एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल 2.5। इस एग्जांपल में थ्री पार्ट्स हैं, वन बाय वन वी विल सॉल्व ईच ऑफ देम। तो सबसे पहले सिर्फ पहला पार्ट देखते हैं, इसमें हम क्या बोला गया है, वी हैव द टू चार्जेस, एक चार्ज है 7 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, इसकी लोकेशन -9 सेंटीमीटर 0 0, इसकी लोकेशन 9 सेंटीमीटर 0 0। इसको ए, इस लोकेशन को ए बोल देते हैं, इस लोकेशन को बी बोल देते हैं। तो हमसे पूछा गया इस सिस्टम को बनाने, हमसे सीधी पोटेंशियल एनर्जी वर्ड यूज कर दिया गया, बोला गया इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो मेरे ख्याल से आप इसको एक सेकंड में सॉल्व कर दें, आपको मालूम है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के क्यू वन क्यू टू, क्यू वन का काम क्या कर रहा है, 7 माइक्रोकूलम, क्यू टू का 2 माइक्रोकूलम, और अपॉन डिस्टेंस। तो बेटा ये है -9, ये है +9, तो डेफिनेट है बीच में कोई ना कोई क्या हुआ, ओरिजन होगा जिसके कोऑर्डिनेट होगा 0 0 0। तो 9 और 9 यानी 18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा तो 10 की पावर -2, ओके। तो आप चाहें तो k की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, k की वैल्यू होती है 7 × 10 की पावर -6, ये वाला जो माइनस आगे आ जाएगा, ये वाला माइनस आगे आ जाएगा 2 × 10 की पावर -6 अपॉन 18 × 10 की पावर -6। एंड व्हेन यू विल सॉल्व ऑल दिस डाटा, तो ये 9 से 18 को 2 बना देगा, उस 2 से 2 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, -7, 9 -6 -6 -12, और ये 2 ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 10 11, तो 10 की पावर -1, यानी ये बचेगा माइनस का 0.7 जूल। तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 0.7, माइनस के 0.7 जूल। इस क्वेश्चन के बी पार्ट में हमसे पूछा गया है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी ये ए लोकेशन पे था 7 माइक्रोकूलम और बी लोकेशन पे था -2 माइक्रोकूलम। हमसे कहा गया है
ये जो ए लोकेशन पे 7 माइक्रो कूलम है इसको उठा के कहां पहुंचा दो, इनफाइनाइट पे, और बी पर जो -2 माइक्रो कूलम है इसको भी उठा के कहां पहुंचा दो, इनफाइनाइट पे। तो यानी एक तरह से वो क्या कर रहा है, सिस्टम को तोड़ने की बात कर रहा है। तो सिस्टम को तोड़ने में हमें कितना वर्क चाहिए, तो आपको मालूम है वर्क डन टू सेपरेट द सिस्टम इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन टू फॉर्म द सिस्टम। किसी भी सिस्टम को तोड़ने के लिए कितना वर्क चाहिए, बस सिस्टम को बनाने में जितना वर्क चाहिए उसको निगेटिव ले लो। तो अभी हमने क्या सीखा था पार्ट ए में, इस सिस्टम को बनाने में कितनी एनर्जी लगी थी, माइनस का 0.7 जूल। तो इस सिस्टम को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी थी, 0.7 जूल। सिंपल सा नंबर ये आपको सीखा रखिएगा।